Hey guys, what's up? Welcome to my new vlog. तो भाई आज हम सुबह 11:30 बजे टाइम से उठ गए हैं और दुबई की जो तैयारी है हमारी वो बड़े जोरों शोरों से चल रही है। 11:30 बजे टाइम से उठ गए हैं, हमारे लिए टाइम से है। जो सुबह 12-1 बजे 2 बजे तक उठते हैं वो 11:30 बजे सुबह उठ गए हैं। तो भाई हमारी दुबई की जो तैयारी शारी ना बहुत जोरों शोरों से चल रही है और सबसे जो मेन काम है वो हमने अभी तक कराया ही नहीं है। हमारी कल की फ्लाइट है और अभी तक हमने कुछ कराया ही नहीं है काम। जो मेन काम है वो है हमारे रुपीस को दिराम में कन्वर्ट कराना। तो सबसे पहले भाई उसकी बुकिंग कर देते हैं ताकि बंदा आके सारे पैसे जो हमने जितने कन्वर्ट कराने हैं वो कन्वर्ट कर दे ताकि हमने कल जाना है तो खर्चा आराम से कर सके। भाई ये जो हम बुक करा रहे हैं ना, ये हम बुक करा रहे हैं bookmyforex.com करके वेबसाइट है। ये मेक माई ट्रिप की ना ग्रुप कंपनी है तो हमें कुछ अभी इसके बारे में पता नहीं कि ये कैसे कैसे होगा, तो हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे होगा साथ साथ में आपको बताते देंगे। भाई मैं ना सुबह बुक माई फॉरेक्स से अपने करेंसी चेंज के लिए बुकिंग कर रहा था, लेकिन फिर ना उन्होंने उनकी तरफ से हमें पता लगा कि जो करेंसी है हमारे पास आज के आज डिलीवर नहीं होगी, तो इसलिए हमारी अभी उनसे बात हुई। तो वो कह रहे कि अगर आप जा सकते तो पहाड़गंज या फिर कनॉट प्लेस चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरी अभी HDFC बैंक में बात होगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप आके विजिट कर लो, फॉरेक्स कार्ड का भी पता चल जाएगा वहाँ पे जाके, और करेंसी एक्सचेंज का जो रेट चल रहा है वहाँ पे वो भी पता लगेगा। अगर यहाँ सस्ता मिलता है तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो जहाँ से बेटर ऑप्शन है वहाँ चले जाएंगे। वही तो हम अभी HDFC की ओखला वाली ब्रांच में आ गए। अंदर चल के हमारी पहले बात हो रही है एक सर से, उनसे चल के बात करते हैं फिर बताते हैं। वो भाई मन नहीं कर रहा था बाहर आने का, भाई इतनी गर्मी ना अंदर मजा आ रहा था। भाई ने बिठा रखा था, टाइम क्या हो गया, 4:30 बजे, लेकिन भाई ने पूरा काम करके हमें फ्री करके भेजा। हमने फॉरेक्स कार्ड लिया क्योंकि ना उन्होंने कहा कि फॉरेक्स कार्ड आप कहीं भी स्वाइप करते हो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कैश निकालोगे तब जाके आपका 7-7 दिरहम आपका जो है चार्ज लगेगा। लेकिन हमने अगर कैश वैसे भी थोड़ा बहुत साथ लेके ही जा रहे हो, निकालना होगा तो एक ही बार निकाल लेंगे जो निकालना है, इसलिए फॉरेक्स कार्ड सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ना भाई थोड़ा बहुत स्कैम वगैरह वहाँ पर होते हैं, वो अगर जाएंगे तो मतलब अगर क्या जाना तो है ही, वो जब हम दुबई जाएंगे तब आपको पूरा स्कैम बताएंगे कि हमारे साथ स्कैम क्या हुआ था जब हम लास्ट टाइम दुबई गए थे। तो अभी हमने बस कार्ड हमने ले लिया है, अब जाके 10-15 हज़ार रुपये का हमने कैश निकलवाना है तो वो कैश ले लेते हैं। कार्ड वगैरह लेके हम घर पे आ चुके हैं, फटाफट से नींबू पानी पीते हैं क्योंकि गर्मी में आप घूमते हो ना तो नींबू पानी वगैरह पीना, हाइड्रेट रहना बड़ा जरूरी होता है। फिर हमने ना कैश जो है 10-15 हज़ार रुपये का जो हमने कैश में कन्वर्ट कराना है वो करवाने चलते हैं। भाई गाड़ी पे हम आ गए और अपना याद से मैं ज़ारा का जो मैंने चेंज कराना है वो ले आया हूं। तो सबसे पहले हमने जाना मनी एक्सचेंज कराने, फिर जाएंगे सिलेक्ट सिटी ज़ारा पे। मनी एक्सचेंज हम कराने आ गए हैं वेस्टर्न यूनियन पे, तो एक बार अंदर चल के मनी एक्सचेंज कराते हैं, फिर आपको दोनों के रेट बताते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स कार्ड है वो किस रेट पे बना है और यहाँ पे हमें किस रेट पे मिलते हैं। भाई दिराम हमने चेंज करा लिए और हमने लिए 1,000 दिराम, तो ये हमें पड़े हैं 24 रुपए 20 पैसे के पड़े, मतलब 24,200 रुपए के हमें 1,000 दिराम मिले। यहाँ का रेट जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हमने HDFC से पूछा था तो जो HDFC से हमारा फॉरेक्स कार्ड बना है वो बना है 23 रुपए 29 पैसे पे, तो वो हमारा आज की डेट पे बुक हो गया है। तो हमने उस पर पैसे डलवा देना तो आज की डेट पे हमारे 23 रुपए 29 पैसे पे बुक हो गया, चाहे हम उसे कल खर्चे साल बाद खर्चे तो वो हमारा इसी रेट पे बुक रहेगा। तो हमने सुबह जो मेक माई ट्रिप वालों से बात करी थी, जो मेक माई ट्रिप का बुक माई फॉरेक्स ऐसी करके जो उनकी वेबसाइट है उनसे बात करी थी, तो वहाँ पे हमें रेट मिल रहा था 23 रुपए 11 पैसे का। तो उसके लिए हमें कैश लेके जाना पड़ता पहाड़गंज, तो इससे अच्छा हमने फॉरेक्स कार्ड ही ले लिया कि उस पर कोई फालतू चार्ज वगैरह भी नहीं, अगर कैश निकालोगे तब जाके आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने फॉरेक्स कार्ड सेफ भी हो गया कि और इतना कैश लेके घूमना भी नहीं है ना पहाड़गंज जाने का कोई चक्कर कि भाई पहाड़गंज जाके कैश वो लेके आओ फिर इतना घूमो, मतलब परेशान हो जाते, तो इसलिए बेस्ट है कि फॉरेक्स कार्ड ले लिया है। और थोड़ा बहुत कैश यूजेज के लिए हमने अपने घर के पास से ही 24-25 हज़ार रुपये का कैश हमने ले लिया। तो भाई शायद अभी पीछे डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करने गया हुआ है क्योंकि शाम के 5:40 हो गए और हमने अभी तक ना कुछ खाया भी नहीं है, भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। सुबह से हम इधर उधर भाग रहे थे कि यार कभी बैंक जाओ, कभी यहाँ पे रेट पूछो, कभी वहाँ रेट पूछो, इसलिए अब जो मेन काम था बैंक का और करेंसी एक्सचेंज का वो हो गया क्योंकि बैंक और करेंसी एक्सचेंज दोनों टाइम से बंद हो जाते हैं। मॉल तो चलो रात को 9-10 बजे खुले होते हैं, तो इसलिए हमने मेन काम जो था वो पहले कर लिया है, बाकी आराम से हो जाएंगे, अब पेट पूजा कर लेते हैं अपनी। इतनी देर में पिज्जा तैयार होना है, तो इतनी देर में हम आ गए जॉन एंड जैकब। सहज ने ना यहाँ से चश्मा देखना है, सनग्लासेस वगैरह देखना है, तो वो अंदर सनग्लासेस देख रहा है। ये फेस के हिसाब से कैसा है? ये सही लग रहा है, ये सही है। मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला ले लूँ, लेकिन इसको पहनते ही ना सारा कुछ लाल लाल हो गया, काला काला तो चलो काले काले की आदत है, वही काले 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 की तो हमें आदत, लेकिन लाल लाल नॉट गुड यार, मतलब आउटफिट के हिसाब से बहुत सेक्सी लगेगा मेरी ये, लेकिन वही सोच रहा हूँ लूँ। अच्छा पार्टी के हिसाब से होगा ना ये, पार्टी हम इतनी करते नहीं यार, स्टैक को एंट्री मिलती नहीं ना, तो इसलिए हम पार्टी वगैरह इतनी करते नहीं है। ये वाले ग्लासेस यूवी प्रोटेक्टेड, सारे प्रोटेक्टेड है यूवी या ये? अच्छा सारे यूवी प्रोटेक्टेड है, ये दिखा रहे हैं भैया भाई।
ओके, ये देखिए कैसे काले हो रहे हैं भाई। भाई ये वाला चश्मा देखो, ये धूप में आती काला हो जाएगा ऐसे। ये सही है यार, ये भी हाँ सही है, मतलब नाइट में भी इसको पहन सकते हो और डे में भी। ये देखो डिफरेंस, आप देखो यहाँ कैसा और यहाँ कैसा है। एज का चश्मा हमने ले लिया, पीछे पिज्जा भी हमारे तैयार हो गए और करण भी आ गया। तो एक बार हमने पहले घर जाना, कोई काम है, और फिर चलेंगे स्लैक सिटी। भाई पिज्जा हमारे आ गए हैं और मैं बैठ गई हूँ गार्लिक ब्रेड। कुछ नहीं खाना, पहले ही पूछा तेरे से। कोई नहीं, पहले ही पूछा भाई, ये इसके नखरे होते, पहले पूछ लो। मैंने कुछ नहीं खाना, जब आ जाएगा ना मैं ये खा लूंगा, तेरे लिए नहीं आया। कोई नहीं, भूखे रहो। आपको बता दो, अगर आप 2000 के नोट खर्च नहीं कर पा रहे ना तो मॉल में जाके कुछ भी खरीद लो और बाद में जाके उसको एक्सचेंज करा लो। क्योंकि मैंने ना जब ज़ारा से सामान खरीदा था तो 2000 के नोट दिए थे और अब एक्सचेंज कराया ना तो मेरे को 500 के नोट वापसी मिल गया। तो बेस्ट स्कीम है, सरकार वाला कोई झंझट भी नहीं और आराम से, अगर कपड़े भी पसंद आ गए तो कपड़े डाल लो, नहीं तो एक्सचेंज करा लो। बाकी भाई अब एडिडास के शोरूम में चलते, क्योंकि सैज और करण ना वहीं पे गए हैं, सैज ने जूते वगैरह लेने हैं, तो एक बार वहाँ चलते हैं फिर देखते हैं कि आगे के क्या प्लान्स हैं। सैज ने जूते ले लिए हैं, अब ये कह रहा है भाई सैज कर नहीं, इधर से जा रहा ना सैज कह रहा है इतना खर्चा साला दुबई में ना, जितना तुमने दुबई से पहले करा दिया मेरा है। सैज ही छा गए ने भाई, सैज ही आ गए ने, सैज ही छा गए ने, आ गया सैज छा गए सैज। 4100 रुपए के जूते लेके मैं कह रहा था कि हमने ना सारे जरूरी काम कर लिए भाई, लेकिन सबसे बड़े बुद्धू हैं भाई, भाई इनसे लगे हुए हैं 10 मिनट से। सबसे ज्यादा मेन जरूरी, सबसे ज्यादा मेन जरूरी काम जो है ना वो तो हमने अभी तक किया नहीं, कि अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग में कन्वर्ट कराना। अभी हम सिर्फ एक ही बंदे की कराएंगे, सिर्फ पापा की करा देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉल्स वगैरह सिर्फ पापा को आनी होती है। तो हम वहाँ जाके, अबे हद है, वीडियो बना रहा हूँ, तो हम वहाँ जाके वहाँ की लोकल सिम ले लेंगे ताकि हमारा जो नेट वगैरह वो चलते रहे, बस पापा की कन्वर्ट कराएंगे। लेकिन भाई हम फोन कर करके परेशान हो गए हैं, एक दवाएं, दो दवाएं, तीन दवाएं, एक दो दवाएं, पता नहीं क्या भाई। अभी देखो एक बार एयरटेल का ऐप डाउनलोड किया, उस पर चेक करते हैं कि कैसे होगा सारा कुछ। करण पीछे मम्मी का सूट ले रहा, ड्राई क्लीन के लिए दे रखा था, तो हम आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉप पे, क्योंकि ना यहाँ से भाई कन्वर्टर जो होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर जो होता है जो आपके बोर्ड में लगता है, वो लेना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप कुछ चार्ज नहीं कर सकते वहाँ पे। कितने का ये? 120 का। इससे बढ़िया वाला भी है कोई? इससे बढ़िया भी है कोई? यही है, 312। चल एक हमारे पास सेम ऐसा है ही पहले। हमें ना सारी चीजें दुकान जब बंद हो रही होती है तब याद आता है, ये भी सामने गलती से हमें इलेक्ट्रिकल की दुकान दिख गई तो याद आया, हाँ भाई हमें कन्वर्टर तो लेना ही था, तो हमने भाई ये कन्वर्टर ले लिया है। एक हमारे पास घर पे पड़ा है और एक और साथ में एक्स्ट्रा ले लिया है, और ये हमें पड़ा है 120 रुपए का। फिर हम आ गए हैं और अब जो सबसे ज्यादा मेन जरूरी काम आखिरी बचा है वो है पापा का जो सिम है उस पर इंटरनेशनल रोमिंग चालू करना, क्योंकि देखो हम जाके वहाँ पे लोकल सिम ले लेंगे तो वो चला लेंगे अगर नेट हमने चलाना है तो। दूसरी चीज, पापा का भाई जो फ़ोन है वो चलना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह पापा को आती हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एयरटेल का रिचार्ज करा रहे हैं। मैंने जियो का भी देखा है, जियो का है 2875 रुपये का रिचार्ज। अच्छा ठीक है, और उसमें हमें 250 Mbps 250 MB लो अच्छे से लो, ठीक है ना। हाँ लो, नहीं आपके लिए कैमरा ज्यादा जरूरी है, 250 MB। हाँ 250 MB आपको रोज का मिलेगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल का इतना महंगा ही आता है, 2875 रुपए में आपको 250 MB रोज का मिलेगा, ठीक है। हाँ। और 7 दिन का ये आपका प्लान है। हाँ। दूसरा प्लान जो है एयरटेल का वो है 3000 रुपए का। हाँ। उसमें आपको टोटल 5 GB नेट मिलेगा। हाँ, ठीक है, और 100 मिनट की कॉल, 100 मिनट का आपको 100 SMS मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी वैलिडिटी है 10 दिन की। हाँ, ठीक है, तो हमारा फायदा हुआ एयरटेल पे। और एक और उसका प्लान बीच में देख रहा था मैं, 133 रुपए, वो उसके बाद का अनलिमिटेड। पहले 3000 रुपए का हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर 133 रुपए या 150 रुपए में अनलिमिटेड नेट मिलता है शायद। वो एक बार पहले 3000 रुपए वाला पापा का रिचार्ज करना पड़ेगा, वो करते हैं फिर आगे देखते हैं कि क्या प्लान है उसके। पापा का जो प्लान था ना 3000 वाला वो तो हमने ले लिया, लेकिन उसमें एक और 133 रुपए का प्लान लिखा रहा था कि जिसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेशनल डेटा यूजेज मिलेगी, वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पापा एक बार 1-to-1 पे फोन करके देख रहे हैं। तो बाकी आप, हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि हमने अब पैकिंग भी करनी है सुबह, भाई हमने जल्दी उठना भी है,
जल्दी क्या उठना, हमने सोना ही नहीं है। तो आज के इस लोग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।